एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं मनीष और मैं हूं नशप्रीत एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप का टर्न ऑन। अब तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक झकास डांस परफॉर्मेंस। यू मीन द झकास अनिल कपूर डूइंग सम दीना दिंधा? यू गॉट दैट वन राइट मनीष, लेट्स वॉच दीना दिंधा। मस्त कलंदर बने अनिल कपूर, तो वहीं बेबी डॉल जैसे ड्रेस अप होकर सनी लियोन ने किया रैंप वॉक। इतना ही नहीं, रैंप को सिजल किया ओह सो गॉर्जियस रवीना टंडन ने, हु टू वॉक द रैंप ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वेल, अनिल कपूर, सनी लियोन और रवीना टंडन पहुंचे एक अवार्ड फंक्शन पर, जहां तीनों ने अपने अपने स्टाइल में सबको खूब एंटरटेन किया। एंड नॉट जस्ट दिस, अनिल कपूर तो वहां एक सोशल कॉज से भी जुड़े और अपने वेट जितना सिल्वर डोनेट करने का ऐलान भी किया। आज मैं दबा के खा के आया बिरयानी वगैरह, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे हम एक अच्छे नोबल कॉज को दे सकें, चैरिटी कर सकें। भाई बिल्कुल चांदी असली है, 70 किलो 70 किलो। कहना पड़ेगा, झकास एंटरटेनमेंट या नोबल सोशल कॉज, रीजन चाहे कोई भी हो, आवर बॉलीवुड स्टार्स नो हाउ टू वू वन एंड ऑल। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। एकदम झकास था, बोले तो Sugared. वैसे तुम्हें पता है, दो एथीरियल ब्यूटीज उतरी थी जमीन पर, वो भी एक साथ। Oh, really? कौन? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अनिल कपूर का डांस कैसे लगा? Oh, it was amazing. इसलिए तो दिखाया तुम्हें। अब सुनो, अनिल ने तो सबका दिल जीत लिया विथ हिज लटकास एंड झटकास। अब सैफ और रणदीप को देखो। Oh my god, two handsomes together. Oh, I can't wait. Well, Nash, this is only for you. Oh. जी हाँ, रैंप पर जब बी टाउन के दो सबसे हॉट एंड हैंडसम हंक उतर आए हो, तो नजारा तो दिलकश और महकश हो ही जाता है। सैफ अली खान और स्टाइलिश रणदीप हुड्डा जब रैंप पर चले, तो हर तरफ बस उनका ही जलवा कायम था, जिसके नशे में हर कोई बस खो गया था। आलम ये था कि हर खास और आम की जुबान पर बस इन दोनों सितारों का ही नाम था। तभी तो देखिए ना, कैसे बी टाउन की सेक्सी डीवा दिया मिर्जा ने की सैफ की स्टाइल की तारीफ। इफ देयर इज एनी मैन हु आई लुक अप टू इन द इंडस्ट्री एज क्लासी एंड कूल एंड कल्चर्ड एंड आर्टिकुलेट, इट वुड बी सैफ अली खान। और दिया मिर्जा के सैफ की तारीफ पर छोटे नवाब ने इस तरह किया शुक्रिया। आई थिंक इट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, इट्स वेरी काइंड, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू बट इट साउंड्स Very nice, thank you. सैफ के अलावा स्टार ऑफ द रैंप थे रणदीप हुड्डा भी, who looked dashing in a sleek black suit. वैसे यहाँ बी टाउन से कई और स्टार्स ने भी अपना जलवा बिखेरा, जिनमें तुषार, आफताब, प्रतीक बब्बर एंड कई और बॉलीवुड स्टार्स भी थे शामिल। साथ ही दिखे क्रिकेटर जहीर खान भी ऑन द रेड कार्पेट। All in all, with such handsome hunks gracing the ramp and the red carpet, ye event raha kafi entertaining. Lekin is event ki sari limelight to looti Sef aur Randeep ke ramp ke jalwe ne. Hardik Tanna, Zoom Mumbai. तो मैंने तुम्हें बताया था ना about two beautiful ladies जो आई थी एक साथ। हाँ हाँ, कौन है वो दोनों? क्या नशा सा छा गया, क्या नशा सा छा गया जब जमीन पर उतरे दो हसीन सितारे। Oh my God, don't start with this shayari. Please just tell me who it is. अच्छा ठीक है, स्टोरी देखो।
Planet Bollywood. कई सालों के बाद ये मौका आया जब उतरे जमीन पर बी टाउन के दो बेहद ही हसीन सितारे। ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है, इसे महज इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि बॉलीवुड की दो सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस को मुंबई में एक ही दिन अलग अलग इवेंट पर किया हमने स्पॉट। जी हाँ, यहाँ बात उन दो खूबसूरत सितारों की जिनमें से एक की खूबसूरती का परचम पूरी दुनिया पर लहराया तो दूसरी की खूबसूरती ने तो यूनिवर्स तक जीत कर अपने नाम कर लिया। एक तरफ एक्स मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय तो दूसरी तरफ एक्स मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। और जब ये दोनों खूबसूरत सितारे जमीन पर यानी इवेंट पर आए तो कहानी तो बनेगी ही। और दीवानगी का आलम दिखा जब सुष्मिता पहुंची एक पेंटिंग एग्जिबिशन में गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर, जहां इस खूबसूरत हसीना ने पेंटिंग्स की खूबसूरती पर की हमसे एक्सक्लूसिवली बात। Each one of the paintings have, it's not just a mix of abstract and real, but it's also looking at great details. Every time you look at the painting, you'll catch something new. जहाँ एक तरफ एक्स मिस यूनिवर्स सुष पेंटिंग्स की बारीकियों में मगन थी तो दूसरी तरफ एक्स मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या वो भी पहुँची एक बेहद ही खूबसूरत नोबल कॉज के लिए। जी हाँ, ऐश ने साथ दिया एक सोशल कॉज का। दरअसल हमने स्पॉट किया ऐश को एट एन इवेंट टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर HIV/AIDS और यहाँ वो दिखी काफी खुश एंड थैंकफुल टुवर्ड्स द मीडिया। I'd rather have 5 minutes of your media time where you draw attention to a cause like this amongst many. So I thank you for giving me the time. तो कुछ इस तरह एक ही दिन बी टाउन के इन दो खूबसूरत सितारों ऐश और सुष के अलग अलग इवेंट्स ने बना दी सुर्खियां। फॉर चेतना सिंह एंड रुद्रानी चटोराज, जूम मुंबई। Wow, Randeep is smoking hot. Well, I think he's really classy. और ब्रेक के बाद मैं तुम्हें रणदीप का एक नया अवतार दिखाऊंगा एंड यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली ड्रूल। डोंट ड्रॉप एनीथिंग। क्या ब्रेक के बाद? ब्रेक लेने का टाइम भी हो गया। हाँ नैश, इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सो गाइस, टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम राइट बैक, क्योंकि ब्रेक के बाद है आपको टर्न ऑन कर देने वाली बड़ी बॉलीवुड अपडेट्स। Hello and welcome back. मैं हूं मनीष। और मैं हूं नशप्रीत। And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. और अब वक्त हो गया है to watch Randeep's new look, है ना मनीष? Well, अब जब हम ब्रेक से वापस आ ही गए हैं तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ रणदीप हुड्डा का ये हॉट न्यू लुक। Planet Bollywood. ये है सलमान खान का वो अंदाज जिस पर फिदा है लाखों फैंस। सलमान के शर्टलेस होते ही फैंस हो जाते हैं उनके दीवाने। लेकिन अब सलमान का यही स्टाइल बन गया है किसी और का स्टाइल स्टेटमेंट। सलमान को टक्कर देने के लिए बॉलीवुड के 8 स्टार आ गए हैं टॉवल में। वो कौन है जो निकल पड़ा है सलमान की राह पर? Well, तो वो और कोई नहीं बल्कि है रणदीप हुड्डा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सलमान खान ने रणदीप का ये टॉवल अवतार देखा है? That's funny actually, but yeah, I think I really like the cover and I think Salman will be very happy to see it. I think he's very fond of me and yeah, it's nice. दरअसल रणदीप का ये टॉवल अवतार था एक मैगजीन के कवर पेज के लिए। लेकिन जब से रणदीप का ये टॉवल लुक रिवील हुआ तब से न केवल सलमान से बल्कि रणबीर कपूर से भी होने लगा है उनका कंपैरिजन। क्योंकि अपनी डेब्यू फिल्म में रणबीर कपूर भी दिखे थे टॉवल में, तो क्या रणबीर की तरह रणदीप का भी टॉवल हो पाएगा फेमस? पता नहीं क्या फेमस होने वाला है, वो तो वक्त बताएगा, बट आई रियली एंजॉय द शूट। वेल, रणदीप, दुनिया तो आपके इस लुक के बारे में काफी कुछ बोल रही है, लेकिन आप खुद क्या सोचते हैं अपने इस नए अवतार के बारे में, ये भी बता दीजिए। इस लुक में कुछ नहीं है, बस एक
रजाई है या बेडशीट वो चाहिए थी बस एवरीथिंग एल्स वाज प्रीटी मच एज आई वाज बोर्न. अब रणदीप आप भले ही इसे टॉवल कहें या रजाई या कुछ और कंपैरिजन तो होगा ही. फॉर चेतना सिंह जूम मुंबई. और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का. जॉर्ज पैरिस के सलॉन ओपनिंग पर पहुंची जैकलीन फर्नांडिस. जॉर्ज पैरिस का ये पहला सलॉन है जिसे मुंबई में ओपन किया गया है. यहाँ मौजूद जैकलीन ने हमें बताया जॉर्ज पैरिस की खासियतों के बारे में. And I was really, really happy when Desange came to Bombay and very close to my home. So on my free days, that's, you know, it's a place that I like, I love being at. वहीं Desange Paris के director Emmanuel Gosnott ने salon की facility से करवाया रूबरू. It was a good choice and a good opportunity to go in the mall. Usually we don't have so many salon in mall. We are much more downtown. But I think that when there is luxury mall in city like Palladium, like Phoenix, it's a good opportunity for us. So I think that Mr. Levan Ramishvili and his team, they jumped on this opportunity to open the third salon. But you know, this is just the beginning of the story of the Songe in Mumbai, because I don't want to tell you secret, but we have a lot of project, and I know that Mr. Levan Ramishvili and his team will not stop after the third salon. उधर लॉरियल के प्रोफेशनल प्रोडक्ट डिवीजन के डायरेक्टर असीम कौशिक ने इस सलोन के साथ अपने एसोसिएशन पर जताई खुशी. सो यू हैव टू नो दैट वी आर अ वेरी प्राउड पार्टनर. लॉरियल इज अ वेरी प्राउड पार्टनर ऑफ द सॉन्ज विद बोथ आवर ब्रांड्स लॉरियल प्रोफेशनल एंड कैरिस्टास. एंड दे आर बोथ हेयर केयर, हेयर कलर, स्टाइलिंग, एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द सॉन्ज इन इंडिया. And the Songe, not only in India, is a very close partner to us, is also internationally a very, very close chain of salons. And one of the great things which binds us together is, of course, the DNA which we share and the lineage which we share, which is the French fashion. In interesting stories ke beech, it's now time to find out kya hai aaj ki badi khabar. Main us pe abhi charcha nahi kar sakta hu. Mere haath mein is waqt abhi tak aaya nahi patra. I will let you know after it comes to me. किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ गोविंदा? किस चीज का कर रहे हैं वो इंतजार? ऐसी कौन सी चीज है वो जिसके मिलने के बाद ही उस पर बोलने की बात कह रहे हैं गोविंदा? तो दरअसल बरसों पहले गोविंदा ने शूटिंग के दौरान अपने एक फैन को जो थप्पड़ मारा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है अपना फैसला. और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को उस फैन से माफी मांगने को कहा है. कोर्ट के उसी वर्डिक्ट की कॉपी का कर रहे हैं चीची भैया इंतजार. वैसे गोविंदा ने सीधे तौर पर भले ही इस बात को नहीं कबूला है कि वो माफी मांगेंगे या नहीं, पर उन्होंने कोर्ट के फैसले को बता दिया है सर्वोपरि. जहाँ तक न्यायालय का ताल्लुक है, मैं वो तो सर्वमान्य है, उस पे मैं चर्चा विषय नहीं कर सकता, उसका मैं सम्मान करता हूँ. वेल, भले ही अभी गोविंदा ये बार बार कह रहे हो कि अभी वो इस मामले पर चर्चा नहीं करेंगे, पर जिस तरह से कोर्ट के फैसले को उन्होंने सर्वमान्य बताया है, उससे जाहिर हो गया है कि वो अपने थप्पड़ के लिए माफी जरूर मांगेंगे. परूदरानी चटुराज, जूम मुंबई. मनीष, तुम्हें हनी सिंह याद है? वो यो यो हनी सिंह याद है का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स पता है कौन है यो यो हनी सिंह. हाँ, लेकिन अब तुम उसे देखोगे ना, पहचान ही नहीं पाओगे. क्यों, उसका कोई नया लुक है क्या? नया लुक ही समझो, स्टोरी देखो पता चल जाएगा क्या हो गया है यो यो हनी सिंह को. सी व्हाट आई डिड देयर, सी व्हाट आई डिड देयर. पूरी दुनिया को भूल जाने वाले हनी सिंह लौट आए हैं. चार बोतल का असर है या आपके इस न्यू लुक के पीछे कोई और रीजन है, ये तो हमें नहीं पता. बट आपका ये एक्स्ट्रा लार्ज लुक हैज डेफिनेटली शॉक्ड ऑल. वेल हनी, आपको कहाँ किसी ने रोका था, आप तो खुद ही बी टाउन के नंबर वन रैपर के टाइटल को छोड़ डिसअपीयर ही हो गए.
और अब जब वापस आए हैं तो आपने ये ट्वीट करके सबको अपने एक्स्ट्रा किलोज वाले लुक के साथ एक जोर का झटका दे दिया. वेल हनी, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज, वी लव यू एज यू आर, बट अब इंतजार आपके वापस आने का है और यो यो सिंह स्टाइल में सबको ग्रूव कराने का है. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई. कितना मोटा हो गया ये, देखा तुमने मनीष? या बेचारा जिम शिम नहीं जा रहा होगा, हालत देखो उसकी. पुअर गाय, आई फील रियली बैड फॉर हिम. तुम भी जिम शुरू कर दो. क्यों, मोटा हो गया हूं क्या मैं? नहीं, अगर मोटे उठे हो गए ना, देन आई वांट टू दिस शो विद यू. ओह, तो धमकी दे रही हो. चलो ठीक है, फिर जिम शिम तो जाना ही पड़ेगा. सो गाइस, आई एम गोना गो एंड हिट द जिम, बट बिफोर दैट इट्स अ रैप ऑन टुडेस शो. बट ऑल यू बॉलीवुड फैंस आउट देयर, स्टे ट्यून्ड टू Zoom टू नो द बिगेस्ट इन बॉलीवुड. वी विल कैच यू गाइस टुमारो ऑन योर फेवरेट बॉलीवुड गॉसिप शो एट 7. एंड फॉर योर फर्स्ट डोज ऑफ फ्रेश बीटान अपडेट्स, ट्यून इन टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, ओनली ऑन Zoom. टर्न ऑन.